या बेसिक ऑफ सिस्टम डिज़ाइन हो गया कि क्या शार्डिंग होती है या कैसे आप एक मतलब एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हो ऑन नॉमिनल लेवल। इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको बता दिया कौन से टॉपिक्स करने हैं, कितना कितना डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा DBMS, OS और OOPs और सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है। अच्छे से आपको रिविज़न करते रहना है, रेगुलरली कॉन्टेस्ट देते रहना है। Hi guys, welcome to Coding Ninjas YouTube channel, and in this video we are going to see a proper Google interview preparation guidebook for this year 2022. So इस वीडियो के अंदर क्या है, सबसे पहले हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको अगर बिगनियर हो तो क्या क्या चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आपके लिए। सेकेंडली मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लोगों के पढ़े, एंड देन आई रियलाइज कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें इम्फेसाइज करने को कहा है, तो उस पर अच्छे से डिस्कशन होगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडबुक का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कितने राउंड्स होते हैं, उनमें क्या क्या पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एंड मूविंग अहेड वी विल ऑल्सो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड DSA के हो गए, कोर सब्जेक्ट्स के हो गए, और बिहेवियरल राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कोडिंग निंजाज यूट्यूब चैनल। सो कोडिंग निंजा रोज आपके लिए लाइव वीडियोज़ लेके आ रहा है, जनरल वीडियोज़, टेक्निकल वीडियोज़। सो इफ यू गोना स्पेंड सम टाइम ऑन दिस चैनल डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक अमेजिंग कंपनीज। डू सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजाज यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर एवरी न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग वीडियो। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो है गूगल के अंदर क्या होता है, दे रियली एम्फसाइज ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथमिक पार्ट। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से करना है, उनका बेसिक, मीडियम, हार्ड, सारे तरह के क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज द पॉइंट इन अदर कंपनीज कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। वेयर एज गूगल का क्या होता है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आता है तो किसी नई प्रॉब्लम में कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे लॉजिकली आपको अप्लाई करना होता है। द थिंग दैट यू नीड टू बी श्योर इज कंसिस्टेंसी एंड रिविजन। सो कंसिस्टेंसी कैसे आता है, रेगुलरली कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो, अपने आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्टेस्ट कहाँ हो गया, आपके कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे होता है, आपके कोड फोर्सेस पे होता है, कोड शेफ पे होता है। इसके अलावा जो कॉन्टेस्टेड होते हैं इनके गूगल के खुद के होते हैं, लाइक कोड जैम हो गया, किक स्टार्ट हो गया, तो इनके थ्रू भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होती है, आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं और अपना रिविज़न भी होता है। जैसे जैसे आप मूव ऑन करोगे आगे यू विल रियली लाइक टू सी कि DSA तो आपने कर लिया, आप टाइम मैनर में प्रैक्टिस भी करो, बिकॉज गूगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो ये है, ये पॉइंट्स में आप बना के लिखने हैं। DSA बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गूगल इज़ रियली रियली इन टू मेकिंग योर सेल्फ गिविंग एन ऑप्टिमल सोल्यूशन वैल यू आर वेरी मच इन प्रेशर। सो हाई प्रेशर के अंदर कैसे आप ऑप्टिमली सोल्यूशन दे सकते हो, वो चीज़ बहुत दिखता है गूगल। ओके, सो ये चीज़ों के बारे में जब आप आगे देखोगे ना, जैसे कि आपका अब मतलब आपको मैंने ओवरव्यू सब बता दिया कि DSA बहुत इंपॉर्टेंट है या गूगल कैसे कैसे देखता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस का देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आपका अगर एप्लीकेशन प्रोसेस है, उस एप्लीकेशन प्रोसेस का अगर आप ऑन कैंपस है तो गूगल क्या करता है, आपके रिज्यूमे कलेक्ट कर लेगा ऑन कैंपस, एंड रिज्यूमे वाइज शॉर्ट लिस्टिंग होता है आगे के लिए। वेयर एज अगर ऑफ कैंपस है इट इज़ सिमिलर मैनर, बट आप क्या बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको मतलब अप्रोच लगानी पड़ेगी। पहली अप्रोच क्या हो सकती है जनरली कि आपने रिक्रूटर्स का ईमेल का एक मतलब कहीं से डेटा उठा लिया, रॉकेट रीच इज अमेजिंग साइट, लाइक आप लिंक्डइन का उनका डालो किसी भी और ईमेल आईडी मिल जाता है वहाँ से, तो आप स्नीक इन करके आप गूगल की ईमेल आईडीज वगैरह निकालो HR वगैरह की, और रिक्रूटर्स को आप डायरेक्टली ईमेल करके एक कोल्ड ईमेल भेज के वो फुली इट वर्क। तो एक बारी मैंने देखा था कि 10 से 15 ईमेल्स भेजें उसके बाद किसी एक रिक्रूटर ने दिया और फिर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो एक ये मेथड होता है। सेकेंडली लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर सकते हो रिक्रूटर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो गूगल में वर्क करें, जो आपको रेफरल दे सकते हैं। अब जब भी आप ये काम कर रहे हो ना, ऐसा है कि गूगल इज़ समथिंग जो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके ही आप ट्राई करना, ठीक है। अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको लगता है कि टाइम और देना चाहिए, यू शुड गिव योर टाइम। जब आप अपना पूरा अच्छे से टाइम दे के प्रिपेयर्ड हैं तभी आप आगे जा पाएंगे। जब आपका रिज्यूमे जो देखते हैं ना, बहुत देखते हैं रिज्यूमे, रिज्यूमे में क्या होता है आपका, जब भी आप शेयर करोगे लिंक्डइन से अप्रोच कर रहे हो, ये naukri.com पे भी कई बार आते हैं, बट इतना नहीं, लिंक्डइन ईमेल से अप्रोच करना या फिर जो आपके कॉन्टेस्ट थे जैसे कि किकस्टार्ट था आपका, कोड जैम था, हैश कोड था, गूगल के जो खुद के कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें अगर बहुत अच्छी रैंक आई है आपकी तो आपके डायरेक्टली इंटरव्यू आते हैं इसमें। ओके,
तो आपको क्या है कि जब भी आपका इंटरव्यू आ रहा है वो रिज्यूमे पे बहुत फोकस होता है। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो गया, नहीं तो वैसे भी सिंपल सी बात है, जो आपका रिज्यूमे है उसमें प्रोजेक्ट्स अच्छे से होने चाहिए। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपके स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि आपका रिज्यूमे शाइन आउट करे। अब रिज्यूमे में बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, बट एक बेसिक सा अगर मैं बताऊँ आपको, तो क्या होता है, टेम्पलेट बना लिया आपने वर्ड का, सिंपल टेम्पलेट हो और उसमें अच्छे से आप अपना रिज्यूमे, जब मतलब चीज़ों को लिख सकते हो, उसमें लिंक्स डाल सकते हो, आपने अपना जो टेक्स्ट चेक यूज़ किया उसे बोल्ड कर दिया कि कोई बंदा उस पर देखे तो आपको वो बोल्ड वाली चीज़ों पे नजर जाए कि इसने अच्छा नोट जेस लगाया है, इसने ये चीज़ लगाया है, फ्लटर यूज़ किया है, समथिंग समथिंग, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके सो आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्टिंग में काम आता है, तो रिज्यूमे पे बहुत फोकस करता है गूगल। एंड सेकेंडली, अगर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हो, जब भी अप्लाई करो तो आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको रेफरेंस वगैरह मिलते हैं और आगे प्रोसेस पड़ता है। दैट इज़ द ऑल थिंग दैट आई कैन टेल यू अबाउट इट। अब मान लेते हैं आपका इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसमें भी रिज्यूमे का बता दूं, जो भी चीज़ें आपने रिज्यूमे में लिखी हैं आपको बिल्कुल डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए, दैट व्हाट दिस थिंग एक्चुअली मीन टू बी, एंड इनके अंदर जो भी आपका गूगल के जो भी मतलब इंटरव्यूअर्स होंगे ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे रिज्यूमे के ऊपर। सो आपको वो बहुत ध्यान से रखना है। ओके नाउ लेट्स गेट इन टू द इंटरव्यू राउंड्स। इंटरव्यू राउंड्स में अब दो तरह की पोजीशन मान लेते हैं, एक होता है आपका इंटर्नशिप वाले के लिए, सेकेंडली होता है आपका फुल टाइम वालों के लिए। सो जनरली जो अभी तक देखा गया है, फुल टाइम के अंदर क्या होता है कि 6 राउंड्स होते हैं हमारे पास। 6 राउंड्स में क्या होता है कि पहला राउंड प्री DSA राउंड हो गया। जैसे जैसे मूव ऑन कर रहे हैं फुल टाइम इंटरव्यू में, पहले राउंड में बहुत बेसिक सा पूछा, देन यू हैव 4 राउंड्स जिसमें DSA ये थोड़े से कोर सब्जेक्ट्स, थोड़ा रिज्यूमे के ऊपर पूछ लिया, तो ये सारा इस पे काफ़ी मतलब ओवरऑल देखा जाता है। एंड देन आपका एक लास्ट राउंड होता है बिहेवियरल राउंड, जिसे गूगली नेस्ट राउंड भी कहता है गूगल। तो उसके अंदर आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस, आपका आपका एटीट्यूड कैसा है, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज कंपनी इतना रिसोर्सेज लगा के 6 इंटरव्यूज ले रही है, डेफिनेटली दे वॉन्ट टू हैव द बेस्ट पीपल। इसलिए गूगल का रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि गूगल के अंदर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना। आपको नॉट ओनली DSA कोर सब्जेक्ट्स भी, आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो, किस एटीट्यूड के साथ दे रहे हो, क्या क्यूरियोसिटी लेवल है, गूगल सब मेजर करता है। तो फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए अगर देखा जाए, ये आपका मैंने एक ओवरऑल आइडिया बता दिया कि अगर आपका पहला राउंड आता है तो वो प्री DSA राउंड है, सिंपल DSA क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, सिंपल इन द सेंस टॉपिक्स विल बी सिंपल, टॉपिक्स वही होंगे जो मतलब मार्केट में चल रहे हैं आजकल। बट द थिंग इज, गूगल इज रियली इनटू हाउ यू आर एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इनटू न्यू प्रॉब्लम्स। तो जैसी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको आइडेंटिफाई करके कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। दे आर इनटू आपने कैसे सोचा है, कैसे इसको आप मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो इस पर, तो वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं DSA पे। ऐसे अगर आप सिमिलरली आगे जाके देखोगे तो वो आपको 4 राउंड जो होते हैं DSA पूछ लिया, और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि DSA वगैरह ये सारा पार्ट पूछते हैं। मैं पूरा बताऊंगा अभी कि कौन से टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट्स भी पूछते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। नाउ लेट्स गेट टू द इंटर्नशिप वाला पार्ट। उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट एंड कोडिंग राउंड हो गया, वो नॉर्मल है। फिर आपके 2 इंटरव्यूज़ होते हैं DSA प्लस आपका कोर सब्जेक्ट्स या रिज्यूमे वाला पार्ट। एंड लास्ट राउंड फिर से गूगलीनेस होता है, बिहेवियरल राउंड। तो ये आपको मैंने ओवरऑल बता दिया फुल टाइम में कैसे पूछते हैं एंड इसके अंदर इंटर्नशिप वाले पार्ट में कैसे पूछते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन गूगल के राउंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बाइनरी सर्च, एंड ये टॉपिक्स तो ऑलवेज पूछेंगे अगर आपका गूगल का इंटरव्यू है, लाइक 4-5 राउंड्स तो हो ही रहे हैं फुल टाइम में, तो ये तो पक्का ही आएंगे, ये टॉपिक्स तो ऑलवेज आए। इसके अलावा भी इंटर्नशिप में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इन डेप्थ नॉलेज होना, कैसे आप किसी मतलब स्पेस को लगा के कैसे टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, वो चीज़ें हो गई है। बाइनरी सर्च लगाना प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो इसके अंदर रेगुलरली पूछा गया वो है BFS, DFS की ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स हो गए, आपकी स्टैक एंड प्रायोरिटी क्यूज हो गए, क्यूज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, तो इन चीज़ों पे भी, डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी गूगल बहुत ध्यान देता है। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बाइनरी सर्च कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। सो बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी टेल यू अबाउट द कोर स्टूडियो प्लेटफॉर्म ऑफ कोडिंग निंजा। सो अगर गूगल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मतलब हमने गूगल के रिलेटेड ही उसका सेपरेट एक वेब पेज बना के उसके बारे में पूरा गाइड लिखा हुआ है। सो यू कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर स्टफ लाइक क्या गूगल पूछता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, एवरीथिंग। सो कोर स्टूडियो प्लेटफॉर्म इज अ फ्री ऑनलाइन कोड एडिटर एंड कंपाइलर इन वेरियस लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, C++ एंड ऑल, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट इफ यू हैव अपकमिंग इंटरव्यूज। ओके इट कंटेन्स टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, देयर सॉल्यूशन, गाइडेड पाथ टू वेरियस टॉपिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। सो डू चेक आउट कोर स्टूडियो प्लेटफॉर्म।
अगर हम आगे जाके देखते हैं कोर सब्जेक्ट्स की तरफ, तो गूगल ने क्या करा है, कोर सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ OS, DBMS, SQL, या मतलब बहुत बेसिक सा, लाइक OS में पूछ लिया वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होता है, बहुत बेसिक। इसके अलावा SQL की थोड़ी बहुत क्वेरीज लिखवा ली आपसे, या बेसिक ऑफ सिस्टम डिज़ाइन हो गया कि क्या शार्डिंग होती है, या कैसे आप एक मतलब एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हो ऑन नॉमिनल लेवल। सो ये सारा कुछ गूगल आपसे पूछ सकता है। अब ये आपका DSA का कोर सब्जेक्ट्स का पार्ट हो गया, कि एक गाइड बुक मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि ये इंटरव्यूज़ होते हैं। आपको एक तरह से पता लग गया है कि गूगल में होता क्या है। तो जब आपको पता लग जाएगा तो आपको प्रिपरेशन का भी आइडिया लग जाएगा, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। गूगल में आपका प्रोजेक्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिज्यूमे खाली नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए अच्छे। सेकेंडली, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका एप्लीकेशन उसकी डेटा स्ट्रक्चर्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड गूगल का अगर देखा जाए ये सारा प्रोसेस के बाद जो लास्ट राउंड होता है, गूगल ही नेक्स्ट राउंड, उसमें आपकी क्यूरियोसिटी, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर बहुत अच्छे से पूछा जाता है। पता है उसमें क्या होता है, आपको सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग दे देते हैं। सिचुएशन में क्या होता है, सिचुएशन में आपको दे दिया कि ओके, ये आपके पास सिचुएशन है कि आप जैसे ऑफिस में हो, आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दिया, नेक्स्ट डे आप आए, आपने वो काम किया और आपका मैनेजर कह रहा है नहीं ये आपने गलत करा, अब इसे ऐसा करो, एंड आपको ऐसा लगता है जो आपने करा वो बेस्ट है, वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है वर्क, ठीक है। नाउ द थिंग इज, मैनेजर इज बिजी इन मीटिंग, तो आप फीडबैक वगैरह नहीं ले पा रहे हो, बट अब क्या करोगे, क्या आप अपना काम स्क्रैप करके उनका आइडिया ले लोगे, या अपने काम को ही आगे प्रोसेस कर दोगे। तो वो सारे मतलब क्यों करना, कैसे करना, उनका क्यूरियोसिटी लेवल हो जाता है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। वैसे आपसे क्यूरियोसिटी लेवल, आपका क्या मतलब एटीट्यूड है, कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, नेवर गिविंग एटीट्यूड है आपका, तो ये सारी चीज़ें बहुत पूछता है गूगल। ओके, सो दिस इज ऑल दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ, कि गूगल में क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब बना सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल बेसिक से फिर से मैं बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम टॉपिक्स बता दिए, नोट्स बना लेने हैं अच्छे से, आपको रिवीजन करते रहना है, रेगुलरली कॉन्टेस्ट देते रहना है, तभी जाके आपका कुछ ना कुछ आपका हाथ मतलब क्या बोलते हैं हैंड स्ट्रांग हो जाएगा इस पर, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपका मतलब अच्छे से आपकी वो हो जाएगी प्रैक्टिस। नेक्स्ट दैट आई कैन टेल यू इज, जैसे जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कर चुके हो, आपको लग रहा है प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप लिंक्डइन पे ईमेल्स के थ्रू ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। ऑन कैंपस आता है तो वैसे अप्लाई करना है, बट उससे पहले रिज्यूमे बहुत अच्छे से आपको फाइन प्रिंट करना है। जब ये सारा कुछ काम हो जाए आपका, देन यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन जस्ट लाइक अपना प्रोसेस के बाद आप होप करो कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। चांसेस होते हैं, जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेगा। इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको बता दिया कौन से टॉपिक्स करने हैं, कितना कितना डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा DBMS, OS और OOPS और सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है, एंड ओवरऑल आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सो आई गेस ये आपके लिए वीडियो में ओवरऑल मैंने आइडिया बता दिया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है और गूगल इंटरव्यूज क्लियर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much for watching, and if you really like this video, do like, share and subscribe to the Coding Ninjas YouTube channel, and comment any doubts you have for the video. Okay, thank you so much for watching. Bye bye, have a nice day.